Hi friends, I hope lecture number one has already been seen by you. So let's continue now. This is lecture number two on super quick revision. Okay, so let's start. We is chapter ke andar, is lecture ke andar, we will be doing small kind of sub parts now. That is, aapka chapter number two CVP analysis and basic decision making. Okay, bahut zyada kuch advanced nahi, but just the normal things. लेकिन वो चैप्टर के अंदर आप लोगों ने कुछ 95 क्वेश्चंस मेरे ख्याल से कुछ किए थे. सो आई एम गोइंग टू बी ब्रेकिंग अप दैट चैप्टर इनटू अ सीरीज ऑफ वीडियोस. सो दिस इज योर रिवीजन ऑफ चैप्टर नंबर टू, बट ओनली कवरिंग दीज पर्टिकुलर टॉपिक्स. वन इज बेसिक्स ऑफ पीवी रेशियो एंड सो ऑन. उसके बाद टाइप ऑफ कॉस्ट के बारे में बात कर लेंगे. उसके बाद चेंजेस इन डेटा, मतलब आपके पास ईयर वन का डेटा है, आपको ईयर टू का डेटा चाहिए तो फिर. और उसके बाद इन दिस केस प्रोबेबिलिटी. ये जो प्रोबेबिलिटी है वहां पर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाला पार्ट भी आ जाएगा. सो लेट्स स्टार्ट योर पीवी रेशियो. पीवी रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, इसको हम लोग और क्या नाम से बोल देते हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो. तो ये कैसे कंप्यूट होता है? इट विल बी कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100. ओके, दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ पीवी रेशियो. When does PV ratio remain constant? Sir, PV ratio तब तक constant रहता है जब तक selling price एक unit का नहीं बदलता, जब तक variable cost per unit नहीं बदलता, ठीक है? उसके बाद, obviously जो PV ratio है, it is independent of number of units. चाहे आप एक unit का data लो, चाहे 10 unit का data लो, तुम्हारा PV ratio तो हमेशा same ही आने वाला है, ठीक है? आगे. What is break-even point? बेटा break-even point क्या होता है? It is that level of sales at which company earns कितना profit? Zero. अगर दुनिया में दो ही type of cost होते हैं, सिर्फ, that is variable cost और fixed cost, तो याद रखना profit zero तब भी आ सकता है when contribution will match with your fixed cost. Apart from that, what do you mean by margin of safety? Margin of safety is nothing but sales above break-even sales. तो आप लोग ब्रेक इवन सेल्स के ऊपर जो भी सेल्स करते हो, दैट विल बी कॉल्ड एज मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ठीक है? फॉर डिसीजन मेकिंग हम लोग अपना इनकम स्टेटमेंट बहुत बार ऐसे भी बना देते हैं, सर सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट आप लोगों को क्या दे देगा? कंट्रीब्यूशन. लेस फिक्स्ड कॉस्ट आपको क्या दे देगा बॉस? प्रॉफिट, ठीक है? कई चीजें याद रखना. सेल्स कैसे मिलता है? कितना यूनिट्स बेचोगे इनटू सेलिंग प्राइस. वेरिएबल कॉस्ट कैसे मिलता है? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स. कंट्रीब्यूशन कैसे मिलता है? नंबर ऑफ यूनिट्स इनटू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट लमसम फिगर है, तो प्रॉफिट भी एक लमसम फिगर है, ठीक है? तो यही चीजों से हम लोगों ने कुछ फॉर्मूलाज वगैरह वो बना लिए थे. तो सेल्स इन रुपीज इनटू पीवी रेशियो विल फेच यू व्हाट यार? कंट्रीब्यूशन. ऑब्वियसली सेल्स का दो पार्ट हो जाता है. क्या दो पार्ट? ब्रेक इवन सेल्स, मार्जिन ऑफ सेफ्टी. ब्रेक इवन सेल्स के ऊपर पीवी रेशियो के रेट से जो भी कंट्रीब्यूशन कमाओगे वो तुम्हारा क्या मीट कर देगा? फिक्स्ड कॉस्ट. तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी के ऊपर पीवी रेशियो के रेट से जो भी कंट्रीब्यूशन कमाओगे वो तुम्हारा क्या बन जाएगा बेटा? प्रॉफिट, ठीक है? ये हो गया एक पार्ट. आगे, जितने भी यूनिट्स बेचोगे उसका दो पार्ट कर सकते हैं. क्या दो पार्ट? या ब्रेक इवन पॉइंट वाले यूनिट्स या मार्जिन ऑफ सेफ्टी वाले. ब्रेक इवन पॉइंट वाले यूनिट्स के ऊपर भी कंट्रीब्यूशन कमाओगे, मार्जिन ऑफ सेफ्टी वाले यूनिट्स के ऊपर भी कंट्रीब्यूशन तो कमाओगे, लेकिन इसके ऊपर उतना कंट्रीब्यूशन कमा लेंगे ताकि क्या मीट हो जाए? फिक्स्ड कॉस्ट. और जो बाकी है उसके ऊपर जो भी कमाओगे वो क्या बन जाएगा बॉस? प्रॉफिट. आगे, क्वेश्चंस वेयर डेटा चेंजेस फ्रॉम वन ईयर टू अनदर, आई माइट रिक्वायर योर कैलसीज. ओके, सुनो. सपोज क्वेश्चन के अंदर ऐसा है, सेल्स फर्स्ट ईयर का 2 लाख है, वेरिएबल कॉस्ट 1,50,000 है, फिक्स्ड कॉस्ट 30,000 रुपीज है, ठीक है? आपको नेक्स्ट ईयर के लिए ये वाले चेंजेस दिए. चेंजेस, इंक्रीज इन क्वांटिटी 10%. क्वांटिटी मतलब क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड एंड क्वांटिटी सोल्ड. इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस 20, डिक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट 5%. याद रखना, डिक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट मतलब डिक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है? याद रखने का ये वाला चीज, वेरिएबल कॉस्ट हमेशा पर यूनिट होता है. इंक्रीज इन फिक्स्ड कॉस्ट इज 15%, ठीक है? और तुम्हारा काम क्या है? नेक्स्ट ईयर का सेल्स निकालते रहो, नेक्स्ट ईयर का वेरिएबल कॉस्ट निकालते रहो, नेक्स्ट ईयर का फिक्स्ड कॉस्ट निकालते रहो. तो सुनो, फर्स्ट ईयर का सेल्स कितना था बेटा? 2 लाख, ठीक है? ये फर्स्ट ईयर का सेल्स था. एक मिनट, ब्लू के अंदर लिखता हूं. सुनो,
तो फर्स्ट ईयर का सेल्स 2 लाख रुपीस का था, ठीक है. सेल्स कैसे कंप्यूट होता है, सेल्स कैसे कंप्यूट होता है, सेलिंग प्राइस इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स. तो मेरे को जरा बताओ, सेलिंग प्राइस चेंज हुआ, यस, 20% से बढ़ गया, तो इनटू 120%. यूनिट्स मतलब क्वांटिटी चेंज हुआ, यस सर, 10% से बढ़ गया, टू इनटू 110%. ओके, दिस विल गिव यू न्यू सेल्स. अगर कंप्यूट वो करना है, दिस विल बी योर आंसर. सेकंड, वेरिएबल कॉस्ट. आपका वेरिएबल कॉस्ट गए साल के अंदर कितना था, 1,50,000. जरा सोचो वेरिएबल कॉस्ट कैसे कंप्यूट होता है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स, ठीक है. तो 1,50,000, जरा सोचो कभी बदलेगा, जब यहाँ ये बदल जाएगा या ये बदल जाएगा, दोनों में से कुछ भी बदल जाएगा, थिंग्स विल चेंज. तो पहले मेरे को जरा बोलो, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बदला क्या? सर बदला ना सर, 5% से कम हो गया, तो इनटू 95%. अच्छा, यूनिट्स बदले क्या? बदले ना यार, क्वांटिटी कितने परसेंट से बढ़ गया, 10%, तो इनटू 110%. दिस विल बी योर वेरिएबल कॉस्ट फॉर द नेक्स्ट ईयर. लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट कैसे कंप्यूट नहीं होता, फिक्स्ड कॉस्ट बस 30,000 रुपीज का, यह बात खत्म. क्या फिक्स्ड कॉस्ट इंक्रीज हो गया? यस, बाय 15%. तो पिछले साल का फिक्स्ड कॉस्ट कितना था, 30,000 इनटू 115%. क्वांटिटी की वजह से तुम्हारे फिक्स्ड कॉस्ट के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आने वाले, ठीक है. तो बस नया सेल्स, नया वेरिएबल कॉस्ट, नया फिक्स्ड कॉस्ट, अगर चाहो तो नया प्रॉफिट भी निकाल सकते हो, ठीक है. चलो, लेकिन यार ना, प्रॉफिट निकालने के लिए और कोई मेथड नहीं है बेटा. आपको नया सेल्स, नया वेरिएबल कॉस्ट और आपको नया फिक्स्ड कॉस्ट ही निकालना पड़ेगा. ओके, आगे. अभी कभी भी कोई भी प्रपोजल आता है, एग्जांपल तुम्हारा बिजनेस चल रहा था, सडनली एक कस्टमर वो आता है, बोलते हैं मेरे लिए ये वाला काम करो, ठीक है, मेरे लिए ये वाला चीज़ बना के दो, मेरे को सोचने का है एक्सेप्ट करूँ या रिजेक्ट करूँ, ठीक है. ऐसे सारे क्वेश्चंस के लिए वी फॉलो ओनली वन फंडा, एंड दैट फंडा इज इन दिस केस कंसेप्ट ऑफ रेजिडुअल इनकम. रेजिडुअल इनकम मतलब तुम्हारे पास जिस केस के अंदर जितना ज्यादा प्रॉफिट बच जाएगा, दैट ऑप्शन विल बी द बेस्ट ऑप्शन, दैट्स इट, बस, ठीक है. तो हमेशा यही वाला चीज करो, इफ देर विल बी एक्स्ट्रा प्रॉफिट वी विल एक्सेप्ट, इफ देर इज नो एक्स्ट्रा प्रॉफिट, इफ देर इज एक्स्ट्रा लॉस वी विल रिजेक्ट दैट पर्टिकुलर थिंग, ठीक है, बस उतना ही. अच्छा, बाय डिफॉल्ट हम लोग हमेशा रेजिडुअल इनकम का ही फंडा फॉलो करेंगे, मतलब किधर ज्यादा इनकम बचता है. अगर कभी सामने बोला अपना एम इज टू मैक्सिमाइज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जो बहुत कम क्वेश्चंस के अंदर होगा, लेकिन अगर सामने कुछ इंस्ट्रक्शन दे दिया तो सम की इंस्ट्रक्शंस के ऊपर तो कुछ भी नहीं, देन यू फॉलो दैट पर्टिकुलर थिंग, ठीक है. तो बाय डिफॉल्ट हम लोग फंडा किस चीज का फॉलो करेंगे, आर ओ सी, नो, RI मतलब रेजिड, किधर जितना ज्यादा पैसा बचेगा, दैट ऑप्शन इज बेस्ट फॉर मी. अगर सामने बोला रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का फंडा यूज करो, फिर कर देना, ठीक है. अच्छा, सपोज एक प्रपोजल वन है, एक प्रपोजल टू है, इधर प्रॉफिट ज्यादा है, इधर प्रॉफिट कम है, ठीक है, एक मिनट, इधर प्रॉफिट ज्यादा है, इधर प्रॉफिट कम है, तो प्रॉफिट बोले तो रिटर्न, ओके. तो ऐसे केसेस के ना, विल यू से फर्स्ट प्रपोजल इज द बेस्ट प्रपोजल, यू माइट नॉट इन फाइनल सी ए, भाई, क्योंकि सर अपने को ना रिस्क भी इवैल्यूएट कर लेना चाहिए, रिस्क तुमको कभी कभी ब्रेक इवन पॉइंट से भी पता चल सकता है. तो आप लोग क्या कर लो, रिस्क भी मेजर कर लो. सपोज पता चला यहां पर ना रिस्क जो है कम है, यहां पर जो रिस्क है वो ज्यादा है, तो याद रखना फिर फर्स्ट प्रपोजल से अच्छा प्रपोजल दुनिया में नहीं हो सकता, रिटर्न्स भी ज्यादा, रिस्क भी कम, तो उससे अच्छा क्या होएगा यार. लेकिन अगर सपोज ऐसा हुआ, और मोस्टली ऐसा ही होगा, जिधर रिस्क ज्यादा आएगा उधर ही रिटर्न ज्यादा होगा, जिधर रिस्क कम होगा उधर रिटर्न कम होगा, यूजली वैसा ही होना चाहिए. तो फिर आप लोग कंक्लूजन देना मत, लिख कर आ जाने का, कंपनी के परसेप्शन के ऊपर डिपेंड करता है. If the company wants to be taking higher risk because they want higher returns, then first proposal is better. Else second proposal is better. ठीक है, चलो. अभी उसके बाद we start away with this particular part. And this particular part in this case is normal distribution of data. चलो सुनो. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा. अभी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा का मतलब कुछ ऐसे होता है. अगर हम लोग एक ऐसा शेप बनाएंगे, ओके, दिस इज कॉल्ड एज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व. एट दैट टाइम जो हाईएस्ट पॉइंट होता है वहां पे क्या प्लॉट हो जाता है, एक्स बार, और वहां पर जेड का वैल्यू हमेशा जीरो हो जाएगा.
ये चीज ओपन एंडेड है यहाँ पर, तो ये इन्फिनिटी तक जाएगा, यहाँ पर भी ओपन एंडेड है, ये माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा. अगर x का कोई भी वैल्यू है जो मीन से ज्यादा है, ओके ये मीन है तुम्हारा, मीन मतलब एवरेज, कोई भी अगर x का वैल्यू है जो मीन से ज्यादा है तो वो वाला वैल्यूज इधर प्लॉट होगा. तो यहाँ पे ऑल द वैल्यूज विच आर ग्रेटर देन x बार विल गेट प्लॉटेड, एंड यहाँ पे ऑल द वैल्यूज विच आर लेसर देन x बार विल बी गेटिंग प्लॉटेड. अपार्ट फ्रॉम दैट, यहाँ पर z हमेशा जीरो हो जाता है, इधर z हमेशा जीरो हो जाता है. अगर इधर z जीरो हो जाएगा तो यहाँ पे ऑल z वैल्यूज विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, यहाँ पे इन दिस पर्टिकुलर केस z वैल्यूज विल ऑलवेज बी नेगेटिव. ओके अपार्ट फ्रॉम दैट, ये पूरा एरिया जो है हम लोग उसको वन बोल देता है. तो बेटा उसके अंदर से ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा 0.5, और जो दूसरा वाला पार्ट है ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा 0.5, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑलवेज टोटल्स अप टू 1, तो ये इक्वली डिवाइड हो जाएगा 0.5 इधर 0.5 इधर. अभी हम लोग बीच में z का टेबल्स भी देखते हैं टू फाइंड आउट द फाइनल आंसर. देख लेते हैं ऐसे क्वेश्चंस हम लोग क्लासरूम के अंदर कैसे सॉल्व किए. फर्स्ट, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप लोगों को मीन चाहिए. मीन मतलब एवरेज, एवरेज मतलब यूजुअली यही वाला चीज होएगा. एग्जाम्पल, विराट कोहली का एवरेज 45 है, उसका मतलब क्या है, ऑन एन एवरेज बंदा 45 रन तो बनाता है, ऑन एन एवरेज, कभी कभी ज्यादा भी बना सकता है, कभी कभी कम भी, बट दैट इज इज एवरेज. ओके, स्टैंडर्ड डिविएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन इज अ चेंज अराउंड द मीन, उसका मतलब क्या है, सपोज मैं बोलूं अगर विराट कोहली का एवरेज स्कोर 45 है एग्जाम्पल, और उसका स्टैंडर्ड डिविएशन 10 है, उसका मतलब क्या होता है, मोस्ट ऑफ द रन्स ऑफ विराट कोहली रेंज बिटवीन 35 to 55. ओके, मैंने एक बार 10 सब्ट्रैक्ट किया तो 35 आ गया, एक बार 10 ऐड कर दिया तो क्या आ गया 55. सो मोस्ट ऑफ हिज रन्स दे वेरी बिटवीन 35 to 55. ठीक है, तो आपको स्टैंडर्ड डिविएशन वो चाहिए, एंड लास्टली वैल्यू ऑफ जेड चाहिए जो अपने को वो मिल जाएगा, दैट वी विल सी. तो सुनो कुछ ऐसा, कोई ये क्वेश्चन लेते हैं, मीन इज 5000 यूनिट्स, ठीक है, स्टैंडर्ड डिविएशन इज 150 यूनिट्स, याद रखने का, कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट इज 40, फिक्स्ड कॉस्ट पर एनम इज 1,60,000, मिनिमम प्रॉफिट रिक्वायर्ड इज 50,000, मिनिमम प्रॉफिट मतलब 50 या उससे ज्यादा, ठीक है. फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस पार्ट, फाइंड प्रोबेबिलिटी मतलब फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्रॉफिट ऑफ एटलीस्ट 50,000 रुपीज, दैट इज वॉट एवर इज मेंट बाय द क्वेश्चन. ठीक है, तो सुनो अभी सबसे पहले आपको ना यूनिट्स निकालना पड़ेगा. तो सोचो जरा, अपने को प्रॉफिट मिनिमम कितने का चाहिए, 50,000, फिक्स्ड कॉस्ट भी तो है तुम्हारा 1,60,000, तो इतना कॉन्ट्रीब्यूशन कमाना पड़ेगा. यू विल अर्न कॉन्ट्रीब्यूशन एट व्हाट रेट, या 40, सो 2,10,000 upon 40, एक सेकेंड, 2,10,000 divided by 40 कितना आ जाएगा, 5,250. ठीक है, तो सुनो ये तुम्हारा कर्व मैंने बना के रखा हुआ है, यहाँ पर x बार प्लॉट होता है, x बार कितना था 5000, यहां पे z का वैल्यू हमेशा कितना हो जाता है जीरो. ठीक है, सुनो अभी इसके बाद कुछ ऐसा, ये जो 5250 है ना, ये 5000 से ज्यादा है, कोई भी वैल्यू 5000 से ज्यादा होगी तो राइट हैंड साइड पे प्लॉट होती है, तो यहां पर आप इसको x1 बोल सकते हो, 5250. ठीक है, x1 या फिर सिंपली x भी बोलेगा तो भी वो चल जाएगा, दैट्स ऑल फाइन. अभी यहां पर z1 का वैल्यू कितना है वो तुमको निकालना पड़ेगा. देखो यहां पर z कितना होता है जीरो, और इस साइड पर हमेशा पॉजिटिव ही होगा. z का वैल्यू हमेशा ऐसे निकाल लिया करो, x - x bar divided by standard deviation. तो x बोले तो 5250, x बार बोले तो कितना 5000, उसके बाद डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन, मैंने आप लोगों को ऊपर दिया था स्टैंडर्ड डिविएशन कितने यूनिट्स का था 150, तो 250 डिवाइडेड बाय 150 तो कितना आ जाएगा 1.67. ठीक है, तो यहां पर z1 का वैल्यू कितना है 1.67. तो सुनो अभी तक क्या क्या हुआ, एक मिनट, जो तुम्हारा मीन है वो इधर से आया, स्टैंडर्ड डिविएशन इधर से आया, कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट मेरे नंबर ऑफ यूनिट्स की कैलकुलेशन के अंदर गया, फिक्स्ड कॉस्ट भी कैलकुलेशन के अंदर गया, प्रॉफिट भी कैलकुलेशन के अंदर गया. ठीक है, z1 का जो वैल्यू था 1.67 इधर से आ गया. ठीक है, अब सुनो
areas under standard normal curve from 0 to z. मेरे को क्या चाहिए? z का value 1.67. तो क्या करो? मेरे को ये 1.67 इधर देखने का है. तो आप लोग first column में up to one decimal digit. तो 1.6 मैंने पहले देख लिया. ठीक है? और 1.6 में 0.07 वाला कॉलम भी देख लेगा. तो इन दिस केस ये वाला जो कॉलम है, तो अल्टीमेटली तुम्हारा जो आंसर है वो ये वाला सेल हो जाएगा 0.4525. एक सेकेंड, लेकिन याद रखना दिस टेबल गिव्स यू द वैल्यूज फ्रॉम 0 टू जेड. जेड का वैल्यू 0 इधर है एंड जेड मतलब द वैल्यू ऑफ जेड दैट यू वॉन्ट. यू वॉन्ट जेड का वैल्यू टू बी 1.67. तो ये वाला जो आंसर है ये कितना है बेटा? 0.4525. ठीक है, 1.6 और 0.07 का मिक्सचर. लेकिन याद रखना तुम्हारा क्वेश्चन क्या था? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट बीइंग मिनिमम 50. मतलब तुमको प्रॉफिट 50,000 चाहिए या उससे ज़्यादा चाहिए. तो आप एक काम ज़रा कर लो, आप या 50,000 यूनिट बेचो या आप उससे ज़्यादा बेचो. उससे ज़्यादा मतलब 5 to 50 के ऊपर कुछ भी. तो आपको जो अल्टीमेट आंसर चाहिए ना, वो आपको इस पॉइंट से आगे वाला चाहिए. यू वॉन्ट 5 to 50 यूनिट्स और मोर. सो यू वॉन्ट दिस पर्टिकुलर आंसर. लेकिन तुमको टेबल से कौन सा वाला वैल्यू मिलेगा? ये वाला वैल्यू मिलेगा. तो फिर ये जो येलो पार्ट है इसका आंसर कैसे आ जाएगा? 0.5 माइनस 0.4525. दिस विल बी योर आंसर एज सच. ठीक है, तो दिस इज द प्रोबेबिलिटी. एक मिनट मैं कर भी देता हूँ. 0.5 माइनस 0.4525, तो ये वाला आंसर आ जाएगा 0.0475. परसेंटेज के ना कन्वर्ट करने का है तो 4.75%. तो अगर कोई तुमको पूछेगा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉफिट विल बी मोर देन 50,000, तो आंसर विल बी 4.75%. ठीक है, चलो ये तुम्हारे नॉर्मल कर्व हो गए. ठीक है, तो एग्जाम के ना ये वाला टेबल तुम्हारे पास होगा तो देख लेना प्लीज अच्छे तरीके से. ओके, सुनो बस. These are the topics that I had to be doing in this kind of the revision as such. This was your chapter number 2 ka one very 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 small part. Bas I'll conclude just by saying one simple thing. Usually your cost will be of two types. Fixed cost. Agar kabhi fixed cost sum ke na per unit diya hai, multiply by number of units. Or it will be variable cost. Lekin variable cost per unit hoga. Fixed cost ke aage likha karo in exam. Per annum hai, per quarter hai. Wo usually ek period se hi related hoga. To fixed cost hai, variable cost hai. Iske alawa koi bhi aur cost hota hai, to dekh lena. Zaruri nahi hai ki har ek cost can be broken up into fixed and variable. Haan, some cost can be broken up into fixed and variable, but not every cost. Ajeeb type of cost bhi to ho sakte hain. Hamare next lectures ke andar aayenge. I will see you all in the next lecture in part 3. Bye.